क्या भारत कोरोना वायरस से मरने वालों की सही संख्या को छिपा रहा है? आपको भी लगता होगा कि ये बात सही है। हम सभी ने देखा है कि जितने शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे थे, मृतकों की संख्या उसकी तुलना में कम बताई जा रही थी, इसलिए इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मरने वालों की संख्या की आड़ में दुनिया भर में जो राजनीति चल रही है, उसके बारे में भी आपको अवश्य जानना चाहिए। अमेरिका के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, यानी IHME। इस संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दावा किया गया कि विश्व के सभी देशों ने कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाए हैं। रूस में जितने लोगों की मौत बताई गई, उससे 5 गुना अधिक लोगों की मृत्यु हुई। भारत और मेक्सिको में सरकारी आंकड़ों से 2 गुना अधिक लोगों की जान गई। ब्रिटेन, ब्राजील, अमेरिका जैसे तमाम देश आंकड़े छिपाने वालों में शामिल हैं। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन संदेह तब पैदा होता है जब इसी रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि चीन ने अपने यहां मरने वालों की संख्या बिल्कुल सही सही बताई। चीन में मात्र 4,750 लोगों की जान कोरोना वायरस से गई। पूरे विश्व में ये महामारी बांटने वाले चीन को लेकर किए गए इस दावे पर क्या कोई विश्वास कर सकता है? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने वर्ष 2007 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में IHME की स्थापना की थी। इसके लिए उन्होंने $105 मिलियन का फंड दिया। इसके अतिरिक्त विश्व में वैक्सीन वितरण के नियम तय करने वाली संस्था गावी भी इसे पैसा देती है। इस रिपोर्ट में ढेरों ऐसी गलतियां हैं जिसके बारे में जानकर आप इसके पीछे छिपी असली मंशा को समझ जाएंगे। रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि वॉशिंगटन में बैठे बैठे भारत और दुनिया भर के देशों में मृतकों की सही संख्या कैसे पता चल गई। ये किस आधार पर तय किया जाएगा कि किन लोगों की मृत्यु उपचार न मिलने के कारण हुई? ये पाया गया है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग कोरोना के मामूली लक्षणों के बाद हार्ट अटैक से मरे। ऐसे लोगों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की ये संस्था हो या फिर कोई और, मानवता और स्वास्थ्य के नाम पर विश्व में पिछले कुछ वर्षों में ऐसे ढेरों गिरोह बन चुके हैं। इनकी अधिकांश गतिविधियां बहुत संदिग्ध होती हैं। अक्सर ये ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जिनसे देशों की सरकारों पर दबाव बने, लोगों के बीच डर फैले और दवा कंपनियों का व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़े। पैसे लेकर ये संस्थाएं कुछ भी कहने या करने को तैयार हो जाती हैं। चीन ने हाल के वर्षों में ऐसी कई संस्थाओं को खूब फंड दिया है। दुनिया भर को महामारी बांटने वाले चीन में मात्र 4,750 लोग मरे हैं। ये दावा भी मुफ्त में ही नहीं किया गया होगा। IHME इससे पहले भी कई बार विवादों में रहा है। दुनिया भर के कई जानकारों ने इस संस्था के दावों और इसकी नियत को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। इनके लिंक आप YouTube पर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना वायरस से मरने वालों की वास्तविक संख्या कहीं अधिक है, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर बताने के पीछे अपने ही राजनीतिक कारण होते हैं। चीन और विश्व की कई शक्तियां ऐसा दिखाना चाहती हैं कि महामारी में भारत बर्बाद हो गया। ये एक तरह का सूचना युद्ध है ताकि भारत में आने वाले हर तरह के निवेश, पर्यटन और दूसरी आर्थिक गतिविधियों को ठप्प कराया जा सके, क्योंकि इसके बाद होने वाली तबाही कोरोना वायरस से भी कहीं बढ़कर होगी। कांग्रेस को इन आंकड़ों में रुचि इसलिए है क्योंकि उसकी रुचि सत्ता परिवर्तन कराने में है। भले ही कांग्रेस शासित राज्यों की स्थिति सबसे खराब हो, भारतीय मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी इस दुष्प्रचार में सहायक बना हुआ है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की तथा कथित रिपोर्ट को भारतीय अखबारों और चैनलों ने भी खूब तूल दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और संस्थाएं महामारी के नाम पर करोड़ों अरबों डॉलर के वारे न्यारे कर रही हैं, उनके लिए ऐसे मीडिया संस्थानों को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है।